to my channel. This is Roshni Sharma and hope you guys doing good and taking good care of yourself. आज मैं आपको बताऊंगी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद कैसे आप करियर में ग्रोथ ला सकते हो, कैसे अच्छे इनकम अर्न कर सकते हो और कैसे आप फॉरेन लैंग्वेज सीखे, कहाँ से सीखोगे. बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस माइंड में कि यू नो मैं कौन सा लैंग्वेज सीखूँ, मैं कहाँ से लैंग्वेज सीखूँ, कौन सा लैंग्वेज मेरे लिए बेस्ट होगा और लैंग्वेज सीखने के लिए कितने पैसे जाएंगे और उसके बाद भी सीखने के बाद मुझे कुछ ग्रोथ मिलेगा या नहीं करियर में, या फिर ये मेरे लिए यूजफुल होगा कि नहीं. सो गाइस डोंट वरी अबाउट इट फ्रेंड्स. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी हॉबी को एज अ करियर बना सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए अच्छा लगता है, न्यू लैंग्वेज सीखना पसंद है, तो आप अपने इस हॉबी को एज अ करियर बना सकते हो. सो अगर आपको अपना स्किल्स बिल्ड करना है अपार्ट फ्रॉम आपने बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री किया है बट आपको उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सो आज मैं आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने के फायदे बताऊंगी. आप फॉरेन लैंग्वेज को कैसे अपने करियर में यूज कर सकते हो या कैसे आप उसको करियर बना सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बताती हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज एक स्किल्स है. इस स्किल को आप सीखने के बाद आपके करियर में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी या आपके करियर में ग्रोथ मिलेगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. सो गाइस फॉरेन लैंग्वेज बीइंग अ निश स्किल्स इन द मार्केट, यू विल हैव अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर करियर. कौन सा फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखने से आपको इतनी सारी करियर ग्रोथ मिलेगी. सो गाइस ऐसा कोई स्पेसिफिक लैंग्वेजेस नहीं है कि मैं जर्मन लैंग्वेज सीखूँ या फिर मैं स्पेनिश लैंग्वेज सीखूँ या मैं इटालियन लैंग्वेज सीखूँ. सो कुछ लोगों को लगता है कि चाइनीज लैंग्वेज बहुत डिमांड में है सो चाइनीज सीखना चाहिए, या फिर जापनीज लैंग्वेज की ज़्यादा डिमांड है तो जापनीज लैंग्वेज सीखनी चाहिए. सो ऐसे कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस नहीं है जिसे आपको जिसमें फोकस करना चाहिए. और लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज सीखो आपको आगे करियर में ग्रोथ मिलना ही मिलना है. बट गाइज यू हैव टू डू इट टिल द एंड, डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन प्लीज. सो ये मैं बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज करते हो एज योर स्किल, एज योर हॉबी, यू नो फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है इसे. आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो इसे, आप वीकेंड्स में कर सकते हो. आपको फॉरेन लैंग्वेज कहाँ से करनी चाहिए और कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, ये सब मैं आपको बता दूंगी. सो आप कोई भी लैंग्वेज चूज करने से पहले आप यूट्यूब में जाकर ईच लैंग्वेजेस का वीडियोज देखना, सो दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट वट लैंग्वेज यू कैन लर्न अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी और अकॉर्डिंग टू योर हॉबी. What mesmerizes you? Which language you are in love with? ये interest होना चाहिए foreign language learn करने के लिए. Just because मैं extra पैसे earn कर लूँगी, एक skills develop कर लूँगी, इस thinking से मत जाइए. Just don't think of the end result. Result would be the best. मैं आपको guarantee देती हूँ. पहले आप language सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप में skill develop कीजिए. After learning language, you will earn a very good amount and you will get a better opportunities in your life. So guys, language आप कोई भी language कीजिए, पहले आप Google में जाइए, YouTube में जाइए, research कीजिए, खुद का homework कीजिए. After researching आपको कोई language अच्छा लगे और एक skill को, एक hobby को अपना career बनाइए. Languages में certification देना बहुत important है, या फिर आप बहुत fluent होना चाहिए वो language में. सो फर्स्ट प्लेस पे कोई भी लैंग्वेज आप कर रहे हो, डू नॉट रिलाई ऑन यूट्यूब्स वीडियोज फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज. यू कैन आई मीन, बट फिर आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी एंड में, बिकॉज ऑफ विच यू आर गोइंग टू गेट अ गुड जॉब इन MNCs. सो अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट, प्रॉपर यूनिवर्सिटी से सीखिएगा. सो मैं आपको बता दूँ कि लैंग्वेज सीखने के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी है, JNU है, AMU है, बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप फुल टाइम लैंग्वेज सीख सकते हो. अभी तो कोविड है, आई गेस यू विल हैव टू चेक इट आउट वेदर यू कैन लर्न फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन एज वेल एंड यू गेट अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन आउट ऑफ इट, ऑफकोर्स यू गेट इट. सो गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, आई हैव डन स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूट. सो टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, depends on which language you choose and you will have to research on Google that which all private institutes are there for which languages. Like what sort of languages ke liye private institutes hai, so go for the best one. There are many, there are plenty of institutes available in the market right now, but you know gali galiyon mein you will find a private institute, but you will have to choose best for yourself. So for that you will have to research, and I will also mention on this descriptions which institutes would be best for which languages.
to not worry about that. First you select a language, then you research about institute or university, or you can take a private tuitions. Languages ke levels hote guys, A1, B1, C1. Ye classes or institutes mein depend karte how they divide it. And then you make sure that you do it till the end. Or you would, if you do not want to continue till the end, you can do it till B2 level. B2 is sufficient enough for MNC people. Whoever who wants to make foreign language as a career, so you can do B2 levels. Uske baad guys, after that you will have to take a certifications. Exams honge foreign languages ke, whatever teacher teaches you, you will have to give an examination in the end of each levels. This is how you will complete all your levels and you will get a certifications. Once you get a certifications, you make sure that you are fluent. Teachers to sika dete hain, teachers ka kaam hota hai sikhana. But this is not like other subject ki teacher ne sika diya and then you learn it and then you grab it, and they will have to have a listening, writing, speaking skills. Language sikhne ke baad kitna salary milta hai, so guys, it entirely depends upon your experience and your skills. So language सीखने के बाद अगर आप starting freshers की बात करें तो they earn 25,000 to 30,000 a month, and it varies according to your experience. So अगर आपको पहले से ही MNCs की experience, अच्छी खासी experience है, उसके ऊपर आपने ये certifications add किया, teens plus वो add on certifications हो जाता है, तो दोनों मिलाकर combined package हो जाता है and will be very good amount, and so you will earn a good amount according to your experience, your certifications. So as a fresher आप देखोगे तो it will be like 25 to 30K a month. So guys, language सीखने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? So I know कि ये भी बहुत सारे लोगों के लिए important factors है, of course, because आपको कुछ invest करना है तो ही आपको कुछ return मिलेगा उसमें से. So अगर आप foreign language भी सीख रहे हो, you will have to invest something to get a good return out of it. Like सीखने के लिए आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा? ये entirely depends from where you do it. If you do it from a university, I guess universities ke fees kam hote comparatively to private institutes. So universities se karna best hoga guys, because uske fees quite reasonable hote hain. But having said that, universities mein kuch exams hote hain, you will have to crack it. So kuch entrance exam hota hai jise aapko crack karna hai aur aapko university mein admission mil jayega. So kuch exams tough hota hai aur uske liye aapko dedicate hona padega. एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपको जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स मिल जाएगी. उसके बाद द फीस इज क्वाइट रीजनेबल. हैविंग सेड दैट, मैं प्रेफर करूंगी कि आप अगर यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहते हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करो, बिकॉज यूनिवर्सिटीज में आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे और जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसे कुछ नहीं है. प्राइवेट इंस्टीट्यूट के फीस थोड़े हाई है गाइज, सो आपको मैं बता देती हूँ, मिनिमम 15 to 25,000 पर लेवल्स के होते हैं और ऐसे 5 to 6 लेवल्स आपको करना है. सो यू कैन कैलकुलेट कितना खर्चा आपका जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में. पर लेवल्स के चार्जेस बहुत हाई हैं, बट अगेन वो ड्यूरेशंस 1 or 2 मंथ्स होंगे जिससे आपकी जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाएंगे. आप एक साल मैक्स 1.5 से 2 साल तक आप लैंग्वेज सीख जाओगे और आराम से सीख जाओगे और टाइम गैप्स नहीं होंगे. इफ़ यू वॉन्ट टू सेव टाइम एंड यूटिलाइज योर टाइम वाइजली, सो यू कैन गो फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. And you can learn a foreign language. Universities में I guess 3 years का degree course होगा for language. So after 12th you will have to enroll. But private institute में कैसे होगा? अगर आप job भी कर रहे हो, you can enroll yourself in any institutes and then वहाँ से आप सीख सकते हो and level wise आपके classes बढ़ते जाएंगे. At the end of डेढ़ साल या 2 साल max आप fluent हो जाओगे और आप अच्छे से job कर पाओगे as a foreign language expert. या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हो आपका, आप एज एन एड ऑन सर्टिफिकेशन निकाल सकते हो आपने कौन सा लैंग्वेज किया है और उस हिसाब से आपको अच्छा पे मिलेगा. सो गाइस, यही था आज की वीडियो में. होप आपको यूजफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो. इफ अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. आई एम न्यू टू दिस चैनल.